हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही थी, तो यूनिट फर्स्ट का आज का हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है। तो आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली टू टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है हमारा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और सेकेंड टॉपिक है हमारा साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, मतलब कि CMP, और ये है हमारा ATP। तो इन दोनों टॉपिक के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहीं से आपको नोट्स प्रोवाइड होंगे। तो ज़्यादा लॉन्ग नहीं है ये टॉपिक्स, आप लगभग इसकी जो फुल फॉर्म है सभी जानते होंगे ATP क्या होता है। वैसे देखे तो ATP होता क्या है वो सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि ATP जो हमारे सेल्स का ऑर्गेनेल होता है माइटोकॉन्ड्रिया, वहाँ से बेसिकली ये प्रोड्यूस होता है और ये एनर्जी के रूप में बायोकेमिकल रिएक्शंस में इसका रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर, मतलब एनर्जी ये प्रोवाइड करवाता है, एनर्जी सोर्स होता है ATP। तो बेसिकली कहाँ से रिलीज होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से। तो इसमें भी यही लिखा हुआ है, ATP इज द मोस्ट कॉमन एनर्जी यूटिलाइजेज फॉर द वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन। मोस्ट कॉमन एनर्जी यूटिलाइज फॉर द बायोकेमिकल रिएक्शंस। इट इज ए लार्ज मोलिक्यूल, इसका जो मोलिक्यूल है ATP है वो लार्जर मोलिक्यूल होता है, इसलिए इसका ज़्यादा अमाउंट हम सेल के अंदर स्टोर नहीं कर सकते हैं। इट इज़ द लार्जर मोलिक्यूल एंड दस कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द सेल इन ह्यूज अमाउंट, क्योंकि लार्जर है तो इजीली ज़्यादा अमाउंट हम इसका स्टोर नहीं कर पाते हैं। इसकी स्ट्रक्चर देखिए, बेसिकली नाम से आपको पता चल रहा है एडनिन इसके अंदर होगा, ट्राइफॉस्फेट इसके अंदर होगा, और जो ATP होती है उसके अंदर राइबोज शुगर भी होता है। और एक चीज, बेसिकली जो ATP है हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर होती है। ग्लूकोज एक स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल है जिसकी फॉर्म में ATP स्टोर होती है, दैट जब भी रिक्वायरमेंट होती है हमें तो ग्लूकोज से रिलीज होती है ATP। ये स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये ATP की स्ट्रक्चर है। ये ट्राइफॉस्फेट 1, 2, 3 फॉस्फेट ग्रुप्स है और एक राइबोज शुगर से अटैच है, देन एक एडेनिन ग्रुप इससे अटैच है। तो बेसिकली ट्राइफॉस्फेट और एडेनिन किसके साथ अटैच है, यहाँ पे राइबोज शुगर के साथ। तो ये है हमारा डायग्राम ऑफ ATP, स्ट्रक्चर ऑफ ATP। तो इसको याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ATP के बारे में आपको पूछा जा सकता है। ATP इज हाई एनर्जी कंपाउंड एंड इट इज हैव 2 फोस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड इन द ट्राइफॉस्फेट यूनिट। बेसिकली इसके अंदर 2 फोस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ATP फंक्शन एज एनर्जी करेंसी, सभी को पता है एनर्जी करेंसी के रूप में काम करती है फॉर द सेल एज सीन फ्रॉम द ATP साइकिल। रोल इसका यही है कि कोई भी रिएक्शन हो रही है तो उसके अंदर इसकी रिक्वायरमेंट पड़नी वाली है, क्योंकि एनर्जी के बिना कोई भी काम नहीं होता है बॉडी के अंदर। देयरफॉर इट इज सिंथेसिस एंड कंजप्शन अकर सिमल्टेनियसली, कि इसका सिंथेसिस और कंजप्शन सेम टाइम पे होता है। इन द सेल एनर्जी इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्मॉलेस्ट मोलिक्यूल ग्लूकोज, ग्लूकोज की फॉर्म में बेसिकली ये स्टोर होती है, जब रिक्वायर्ड हो गया तो रिलीज होगी। दीज मॉलिक्यूल आर मेटाबोलाइज बाय वेरियस एंजाइम के थ्रू मेटाबोलाइज हो गए विद इन सेल एंड एनर्जी इज लिबरेटेड इन द फॉर्म ऑफ ATP अलोंग विद CO2 H2O एज बाय प्रोडक्ट, कि जब कोई रिएक्शन होगी तो जो ग्लूकोज है एंजाइम के द्वारा कैटालाइज किया जाएगा और जो एनर्जी है वो रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ ATP और जो बाय प्रोडक्ट निकलेंगे उसके साथ होगा CO2 H2O। कुछ बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है ATP के, वो देख लेते हैं। तो मेटाबॉलिज्म, सिंथेसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो भी आपको लगे कि ये रिएक्शन हमारी बॉडी में बायोलॉजिकली हो रही है तो उस रिएक्शन को आप याद लिख सकते हैं, उसमें रोल होता है ATP का। मेटाबॉलिज्म में सिंथेसिस, जो सिंथेसिस इतने आपने देखे हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट,
सेल स्ट्रक्चर एंड लोकोमोशन, सेल सिग्नलिंग जैसे एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर जो भी होता है काम, उसके अंदर एटीपी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में भी एटीपी की, इसके अलावा काफ़ी रिएक्शंस हैं जिनके अंदर एटीपी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो अब देख लेते हैं साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट CAMP, इसको हम बोलते हैं, मतलब CAMP बेसिकली बोला जाएगा, फुल फॉर्म इसकी होने वाली है साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो ये सेकेंड मैसेंजर होता है बेसिकली, जो आयन चैनल्स होते हैं उनके गेट के रूप में काफ़ी टाइम से वर्क करता है। और इम्पोर्टेंट सेकेंड मैसेंजर फॉर्म बाय, किसके द्वारा फॉर्म होता है, एक्टिवेटिंग एडिनाइल साइक्लेज जो एंजाइम है उसके एक्टिवेट होने से ये फॉर्म होता है, क्या, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये मेम्ब्रेन एंजाइम होता है एडिनाइल साइक्लेज जिसके एक्टिवेट होने से हमें क्या मिलता है, साइक्लिक AMP। ये स्ट्रक्चर है सेम एज ATP है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर, वहाँ पे हमें ट्राईफॉस्फेट ऐड हो रहे थे, यहाँ पे ओनली मोनोफॉस्फेट ऐड होने वाले हैं पेंटोज शुगर से, और जो सेम है हमारा एडिनिन ग्रुप इससे अटैच होगा जो एडिनिन बेस है। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर हो गई साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट की। देन द सो फॉर्म साइक्लिक AMP एक्टिवेटेड बट स्पेसिफिक प्रोटीन, साइक्लिक AMP एक्टिवेट्स स्पेसिफिक प्रोटीन, जो AMP हमें मिला है वो स्पेसिफिक प्रोटीन्स को भी एक्टिवेट करता है जब ये रिलीज होता है। सम आयन चैनल आर गेटेड बाय साइक्लिक AMP बट सम इम्पोर्टेंट प्रोटीन एक्टिवेटेड बाय, कुछ इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स है जो एक्टिवेट होती हैं साइक्लिक AMP प्रोटीन काइनेज जो एंजाइम होता है उसके द्वारा एक्टिवेट होती हैं, विच फॉस्फोराइलेटेड सम ऑफ द सेलुलर प्रोटीन, कुछ सेलुलर प्रोटीन्स होते हैं जिनको फॉस्फोराइलेटेड करता है कौन, CAMP साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। बात करते हैं कुछ बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की, तो कुछ हार्मोनल सिस्टम में कुछ हार्मोन्स होते हैं जो बेसिकली अल्टर करते हैं किसको, साइक्लिक AMP को। इसके अलावा लाइपोलाइसिस जो लिपिड का सिंथेसिस है, स्टेरॉइड जीनेसिस स्टेरॉइड का जो सिंथेसिस होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्लिनिकल इम्प्लीकेशन में बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है किसका, CAMP। तो जो एक छोटा सा टॉपिक है इसीलिए हमने इसी लेक्चर में इसको ले लिया है, इसके लिए अलग लेक्चर लेके आते तो कोई मतलब नहीं निकलता, तो इसी लेक्चर में हमने इसको कवर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमारी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है बायोकेमिस्ट्री की, तो अगर आपने कंप्लीट यूनिट नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, वहाँ से कंप्लीट देखिए, देन सेकेंड यूनिट पर हम नेक्स्ट लेक्चर में आने वाले हैं। तो ऐसे ही रेगुलर लेक्चर्स अटेंड करते रहिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कर दीजिए, उसके कोई पैसे नहीं लगते हैं आपके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।